अरे कोई वजह नहीं है। नहीं आप आए हो यहाँ पे, हमने आपके वीडियो बनाया था। हाँ तो वीडियो तो मैं कार्यकर्ता आपका गिरफ्तार किया है, क्या मामला क्या है? ना कोई कार्यकर्ता सिर्फ सीओ साहब से जानकारी लेने आया हूँ किसी विषय पर, उनसे मेरी बात हो गई है। ठीक है, कोई कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं है आपका? सीओ साहब से बात करने आया हूँ, और बात करके अभी सीओ साहब से मैं शाम को और बात करूँगा, क्या विषय जानकारी लेके फिर बताऊँगा। अभी आप कोई जानकारी नहीं देना चाहते मीडिया को? अभी एक बार शाम तक एक बार बात हो जाए, तो सीओ साहब से पूरी जानकारी ले लें एक बार, फिर बताऊँगा। बैल प्लांट से किसी ने FIR करवाई SC ST, और FIR में एक्सीडेंट दिखाया। एक्सीडेंट में धारा 3 लगाने के लिए SC Act की, उससे एक LY के तहत मेरी मारपीट की है। FIR दे गए यहाँ। यहाँ कार्यक्रम चल रहा था सांसद का, हॉस्पिटल में हम लोग सब साथ थे। उस कार्यकर्ता को किसी बहाने से बुला के थाने ले आए। थाने हमारी बात हुई सीओ साहब से, सीओ साहब ने कहा कि मैं जानकारी कर रहा हूँ, जिस गाड़ी का नंबर दिया है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी में वो इनकी है ही नहीं, इस व्यक्ति की गाड़ी नहीं है। अब उस गाड़ी वाले को ये बुलाएंगे। जाटव को बुलाया तो जाटव अभी कोई स्पष्ट कह के नहीं गया है। हमने एक बात कही है कि ये जाटव प्री प्लान से आया है। हम तो आज भी धर्म को मानते हैं, अगर ये जाटव अपने बेटे की बाँह पकड़ के रहना भाई माता पे कसम खा जाए, वैसे 302 लगा दो, 303 की तो बात छोड़ा आप, और इसे झूठा फंसाना मत, अन्यथा हम किसी भी स्तर तक आंदोलन कर सकते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाएं, क्योंकि ये BJP का शुरू से कार्यकर्ता रहा है। एक एक कार्यकर्ता पर झूठे केस लग रहे हैं, उसी के तहत इस व्यक्ति को उठा के और बंद करने की कोशिश की जा रही है। और आज जानबूझ के शनिवार को, जबकि पूरे दिन उसने ब्लड डोनेशन में भाग लिया है, पूरे दिन बाहर आया है, जिस समय की एक्सीडेंट बताते हैं उस समय वो 500 आदमियों के बीच में ब्लड डोनेशन दे रहा था, पूरा कार्य संभाल रहा था। एक नहीं आधी बाड़ी गवाह इस बात की कि ये व्यक्ति सारे दिन ही आ रहा है। इसके बावजूद भी इन्हें पता नहीं थी कि ये मौजूद वहाँ रहेगा। इन्होंने FIR करा दी। FIR झूठी करा के जो टाइम दिखाया है, उस टाइम पर वो व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर रहा था, और कम से कम 500 लोगों के बीच में ये डोनेशन उन्होंने किया है। अब इन्होंने ये कहा है कि हम बुला के, अन्याय नहीं होगा, अभी बुला के दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, इसलिए आश्वस्त होके जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई इस तरह की वारदात ये करते हैं तो उसके बाद हम रूपरेखा बनाते हैं ऊपर पार्टी लेवल में बात करके। बताओ तो भाई, काम जो है वो तेवी तो